नमस्कार, आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निभा से। बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया था, जिसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू था। लेकिन कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया, यानी कि कुछ गाइडलाइन में बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जी हाँ, यानी कि आप शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। जिसका जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी सनी और निषेध पटना की सड़कों पर उतरे और पटना की सड़कों का जायजा लिया। जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी, वहीं कुछ लोग सड़क पर नजर आए। देखें सनी और निषेध की रिपोर्ट। बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू होगा और उसका हाल जानने हम पटना की सड़कों पर निकले हैं। इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे पे, और देखिए यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, वो क्यों घर से बाहर निकले हैं ये पूछा जा रहा है। क्या हो सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवराम। कहाँ से आ रहे हैं? सुखदेव राम। कहाँ से आ रहे हैं? लाजपत राय भवन से, पंजाबी बिरादरी पटना। अभी कहाँ से आ रहे हैं? हमें से आ रहे हैं, हमें से आ रहे हैं, जा रहे हैं हम दामाद के यहाँ नाती के बाद। तो देखिए जो जरूरी काम जिसको है वो घर से बाहर निकले, हालांकि अस्पताल से आ रहे थे। यहाँ पे एक कार है, ये इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। सख्त निर्देश दिया गया है, गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है और उसी के मुताबिक इनकम टैक्स चौराहे पे लगातार चेकिंग हो रही है। देख सकते हैं कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से यहाँ पे पालन करवाया जा रहा है? टोक रोक कर रहे हैं सर, समझा रहे हैं, समझे आदमी तब ना सर, लास्ट में समझाया जा रहा है, नहीं समझेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। लोग यानी बाहर निकल रहे हैं अभी भी? कम, बहुत कम, बहुत कम निकल रहे हैं। जिसको जरूरी है मेडिकल उडिकल वही सब निकल रहे हैं, जरूरी जिनको है वो निकल रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए इनकम टैक्स चौराहे पे जो सरकार की नई गाइडलाइंस आई है उसका असर तो देखने को मिल रहा है। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जो बेवजह भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको काम है इसलिए मजबूरी है, उनको निकलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस का असर तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। अब हमारे सहयोगी सनी के डाक बंगला की ये रिपोर्ट देखिए। लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के बीच में कल राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया था और जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसमें बदलाव करते हुए साफ तौर पर कहा था कि शाम 6 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, यानी कि शाम 6 बजे के बाद से आम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, जिन्हें जरूरी काम है वही बाहर निकल सकेंगे। अगर आप बाहर निकलते हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करती है तो आपको जरूरी कारण बताना पड़ता है कि आखिर आप इतनी रात को क्यों बाहर निकले हैं, या फिर धारा 144 लागू है और क्यों ऐसे में आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में तस्वीर दिखा रहे हैं आपको डाक बंगला चौराहे पे, जो चौराहे पे जहाँ जो तस्वीर नज़र आ रही है साफ तौर पे देख के समझ सकते हैं जो प्रशासन है ये वो यहाँ पे तैनात है और साफ तौर पे सभी लोगों से पूछताछ कर रही है कि वो इस वक्त क्यों निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं और भी तमाम तरह के सवालात हैं जो कि कर रहे हैं तमाम लोग हैं। देखिए किस तरीके से पूरे प्रशासन यहाँ पे एक एक कर रोक रोक के लोगों से पूछ रही है, यानी कि साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन यहाँ तैनात है। और शाम छः बजे के बाद से जो तस्वीर सामने आ रही थी वो तस्वीर सामने आई है। सर, आप बाहर निकले हैं सर, क्या क्या वजह है सर? जमाल रोड जा रहा है, डेरा 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 घर जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से, औरंगाबाद से। औरंगाबाद से, औरंगाबाद से आ रहे हैं और जमाल रोड की ओर जा रहे हैं। और भी तस्वीरें यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक एक कर सभी की चेकिंग की जा रही है और साफ तौर पे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे। आए सीधे तौर पे जुड़ते हैं लोगों से, कार्डियो का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुरंत को डॉक्टर को तो साफ तौर पे कुछ ना कुछ कहना होता है कि हाँ हम इस कारण से बाहर निकले हैं। निरंतर मरीजों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की, ऐसे में जो स्थिति है वह भयावह होती जा रही है। ऐसे में कल राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया और साफ तौर पे कहा गया कि शाम 6 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, जिसका नतीजा यह है कि आज से जो तस्वीर सामने है शाम 4 बजे तक ही सभी दुकानें खुली थी और 6 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू का असर यहाँ दिखना शुरू हो गया। प्रशासन पूरी तरह से तैनात हो चुका है, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद ही उन्हें कहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो तस्वीर है
सामने आ रही है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो तैनात है नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने में, लेकिन जो लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं बाहर नजर आ रहे हैं और क्यों बाहर निकले हैं पुलिस को उचित कारण बता के वो यहां से बाहर जरूर जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे डीटीवी भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।